best maths coaching for competitive exams 2018, and it goes to Bharti Concept. I would request director of Bharti Concept. ठीक है, सुबह शुरू किया जाए टेस्ट नंबर 7। पहले हम लोग मैथ का पार्ट देखते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 76 मैथ शुरू होता है। इसको देखे जरा, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 का पावर 1, 3 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/2 है, ये जेड जैसा लिखा हुआ है कहीं कहीं। 2 के पावर क्या है 2, 3 का पावर 1/2 का 3, सबके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए तब समझ में आएगी बातें, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लेना जरूर। तो ऐसे करके 2 सो ऑन लिखा है, तो बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सबके पावर हम ऐसे ऐड कर देंगे एंड 2 सो ऑन इन्फिनिटी, ये अनंत तक चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ऊपर का पोर्शन हो गया जीपी, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो गया, जीपी हो गया, ठीक है ना। तब ऊपर का सम निकालेंगे, ए क्या है 1, और 1 माइनस आर मतलब 1/2, समझ में आ रहा सबको ना। ऊपर लिखेंगे ए, फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो ये आधा बचेगा और 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 3 का स्क्वायर क्या आंसर हो गया, 9 आंसर, ठीक है ना। 77 कहा, एक बॉलर है जिसके बॉलिंग करने का एवरेज 24.85 रन पर विकेट है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है आपके पास कि ये बॉलर बॉलिंग एवरेज इज 24.8 रन पर विकेट, ठीक है ना। इतना मतलब एक विकेट लेगा तो इतना रन वो देता है, ठीक है ना। क्या करता, अगले मैच में 5 विकेट और लेता है, और ऐसे होने से क्या होता है, उसका एवरेज 0.85 कम हो जाता है। मतलब उसका एवरेज कितना हो गया, 24.85 कम हो गया, तो 24 हो गया। और जो है ध्यान से था फटाफट, तो अब उसने 5 विकेट लिया लास्ट में ना, 5 विकेट, और अब का जो एवरेज है 24 है। यदि अभी का एवरेज 24 है तो उसे टोटल कितना रन देना चाहिए था, 24 बचे 120। यदि अभी का एवरेज 24 है वर्तमान में, तो अभी के अकॉर्डिंग 24 के अकॉर्डिंग 5 विकेट लिया है, तो अभी उसे कितना रन देना चाहिए था, 24 बचे 120 रन देना चाहिए था। लेकिन उसे सुना है कि 52 रन ही दिया है ना, उसने दिया है 52 रन, इसका मतलब और कहां से लाया, ये कितना और लाएगा भाई, 68 मतलब 68 तो कम पड़ गया ना, ये कहां से लाया, तो पहले वाले से लाया, पहले वाले से सभी से एक से 0.85 लाया, एक से 0.85 लाया, और इतना एक्स्ट्रा क्योंकि हमें 120 चाहिए था लेकिन दिया तो 52 ही ना, तो इतना एक्स्ट्रा हो गया। और ये एक्स्ट्रा किसके कारण से हो गया, इनके कारण से, इनका एक-एक विकेट से 0.85 रन ले लिया। तो बिंदिया हटाइए इसका, जीरो लगाइए, 20 बचे 17 चौके 68, 20 चौके 80, मतलब इसका मतलब है कि पहले कितने विकेट थे, 80 विकेट, और अंतिम मैच तक तो 5 विकेट और, तो टोटल विकेट कितने हो जाएंगे, 85। तो अभी तक, ठीक है ना, अंतिम मैच से पहले और अंतिम मैच तक टोटल कितने हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ओके। 78 कहता है कि बी और सी एक साथ मिलकर, ठीक है ना, बी और सी एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, और इसने कहा कि हाँ ए बी सी ए और बी मिलकर 6 दिन में करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ए और बी मिलकर 6 दिन में करते हैं, ठीक। कहा कि बी और सी का जो इफिशियंसी है, बी एंड सी जितना दिन में करता है, इसका जो इफिशियंसी जो है 2 दिन का, 2 दिन जो काम करेगा वो, ए उसको काम को 3 दिन में करता है, तो बी और सी मिलकर जो 2 दिन में करेगा, ए अकेले उस काम को 3 दिन में करता है। तो यहां से हमने इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे, तो 3 और 2 होगा, मतलब ये 3 काम करेगा तो ये 2 काम करेगा, ठीक है ना। बी और सी मिलकर 1 दिन में 3 काम करेगा, तो ए कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, ये था ना, ओके।
अब देखो बी और सी पूरे काम को 6 दिन में करता है और एक दिन में 3 काम, तो कितने काम हो गए? 18 काम, है ना। एक दिन में 3 काम करता है तो 6 दिन में कितना करेगा? 18 काम करता है, ठीक है। तो पूरा काम कितने हो गए? 18 हो गए, 18 वर्क टोटल हो गए, ठीक। अब ए का पूछे तो डायरेक्ट आ गया कि ए अकेले 9 दिन में करेगा, ठीक है ना। तो ए का तो आ चुका है 9 दिन, ठीक। अब सुनिए आगे कहानी क्या है। कहा ए शुरू से अंत तक काम करता है, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक काम किया, लेकिन बी और सी जो है पहला और दूसरा दिन काम किया, ठीक है ना, और सी जो है तीसरा चौथा और पांचवा दिन काम किया। सिंपल सी बात यह है कि ए जो है पूरे 5 दिन काम किया, 2 दिन बी काम किया और 3 दिन सी काम किया, और काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। पूरा काम कितने थे? 18 था और सबके सब काम समाप्त हो चुके हैं, ठीक। तो बस यहां से हम क्या करते हैं, देखो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे बी प्लस सी, तो यहां पर एक सी बच जाएगा ना, है ना। यहां पर 2c + c, 3c है ना, तो 2c + c। देखो हमको मालूम है ए एक दिन में 2 काम करता है, फिर बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में कितना करते हैं? 3 काम, और सी के बारे में अकेले नहीं मालूम है, तो यहां से कितना हो गया? 10 काम, और ये हो गया 6 काम, 10 और 6 16, 16 जाके माइनस करो बच गया 2, तो सी अकेले कितना काम करता है? 2 करता है, तो सी एक दिन में 2 करता है तो ऑटोमेटिक बी कितना करेगा? 1, तो अब सबका आ गया, ए अकेले करेगा तो 9 दिन में, बी अकेले कर दो 1 से भाग दो 18 दिन में, सी अकेले कर दो 2 से भाग दो 9 दिन में, 9 18 9, ठीक है ना, 9 18 9, कौन सा आ गया आंसर? बी हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ओके। यहां देखिए जरा फटाफट क्वेश्चन नंबर 29। कहा कि 8 नल लगे हुए हैं, ठीक, इसमें से कुछ भरने वाले हैं और शेष खाली करने वाले हैं। भरने वाला 12 घंटे भरता है, खाली करने वाला 36 घंटे में खाली करता है। एलसीएम 36, टंकी के पीछे 36 मान लिया, 12 3 36, 36 1 36, है कि नहीं। भरने वाला 1 घंटे में 3 भरेगा, खाली करने वाला 1 घंटे में 1 खाली करेगा, ठीक। कथा सभी को एक साथ खोल दे तो 3 घंटे में टंकी भर जाता है, ठीक। तो डायरेक्ट मैं सिखाता हूं यहां पर शॉर्टकट, मैंने क्लास में 3 तरीके सिखाया था। 8 नल है और सबका सब भरने वाला होता, मतलब इस तरीके का होता भरने वाला, सबका सब 3-3 भरता, तो 3 घंटे लगे हैं, 3 घंटे में कितना भरता? 72 भरता। 8 नल है, सबका सब भरने वाला होता, तीनों भरने वाला होता, 8 नल है ना, सब 1-3 लीटर पानी भरता, 3 घंटे में कितना भरता? 72। 8 नल है, सब 3-3 भरता, तो 3 घंटे में कितना भरेगा? 72 पानी भरे, कोई दिक्कत तकलीफ बिल्कुल नहीं। तो 72 टोटल हो गया, लेकिन टंकी के पीछे सिर्फ 36 ही था ना, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? 36 लीटर पानी क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। 36 लीटर पानी क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। इसे कौन निकल भरेगा भाई? ये ज्यादा क्यों हो गया, एक्स्ट्रा क्यों हो गया, कौन भरा इस 36 को? तो इसका मतलब यह है कि जो नल खाली करने वाला था उससे भी भरवा रहे थे ना, 8 का 8, सभी को मैंने आउटलेट पाइप मान लिया। इसका मतलब यह है कि ये 1 लीटर पानी खाली करता, वो खाली भी नहीं करने दिया, ऊपर से 3 भरवा दिया उससे, तो 1 नल ने 1 घंटे में 4 लीटर पानी एक्स्ट्रा भर दिया, जो खाली होने वाला था उसे भरवा दिया, तो 3 घंटे में कितना भरवाया होगा? 12, मतलब 1 नल 3 घंटे में 12 लीटर पानी एक्स्ट्रा फिल कर दिया, और वही एक्स्ट्रा से 36 एक्स्ट्रा हो गया, तो इसे खाली करने वाले कितने थे? 3 थे, और भरने वाले कितने थे? 4 थे। तो हमसे पूछा क्या इसमें कितने भरने वाले, तो बोले 4 भरने वाले थे, ठीक है, और 3 खाली करने वाले थे, ठीक है ना। ये खाली करने वाले हैं और ये भरने वाले हैं, इनलेट पाइप अपना ये है, ठीक है ना। हाँ जी, 8 है ना टोटल, सॉरी टोटल पाइप 8 है ना, तो 3 है तो ये 5 बच गया, है ना, 7 नहीं है, सॉरी, है ना,
यहाँ पर तीन है तो यहाँ बोलेंगे पांच, ठीक है ना। टोटल फाइव जितना होगा सब माइनस कर लेंगे, तीन आ गया नहीं है और जो बच गया वो भरने वाला, ठीक है, जो भी आ जाए नो प्रॉब्लम। 80 देखिए, कहा एक दुकानदार के पास जो है कुछ मात्रा में एप्पल है, उसने पहले ग्राहक को कुल सेब का दो तिहाई भाग बेचता है और एक और देता है, दूसरे को भी 4/5 बेचता है और इसको एक और देता है, तीसरे को भी शेष बचे का 1/4 देता है और एक और देता है, ऐसे करके मतलब लास्ट में पांच बचे हैं उसके पास, तो इनिशियली कितना था, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे सिंपल इक्वेशन के तरीके से बनाते हैं। मान लो कि उसके पास इनिशियली एक्स था, उसने पहले को दो तिहाई दिया, जब दो तिहाई दिया तो कितना बच गया, दो तिहाई देने के बाद एक तिहाई उसके पास बच गया और लास्ट में उसने एक और दे दिया तो इसके पास एक और कम हो गया, तो इसके पास पहले दुकानदार को देने के बाद इतने बच गए, एक था दो तिहाई दिया तो एक तिहाई बच गया, एक और दे दिया तो इतना बचा, उसके बाद जो है दूसरे को 4/5 दिया, 4/5 तो कितना बच जाएगा 1/5, और इसको भी एक और दे दिया तो एक और कम हो जाएगा, इसको तो एक और कम हो गया, एक और कम हो गया, ठीक। उसके बाद जो है लास्ट वाले को 1/4 शेष का 1/4 दिया तो कितने बचे देने के बाद 3/4, और इसको भी एक और दे दिया तो उसके पास लास्ट में कितना बच गया, इतना बच गया, ये किसके बराबर है, पांच के बराबर है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन था ना। अब देखिए हम लोग बैक से चलेंगे, बिल्कुल पीछे से, ये माइनस वन है, यहाँ के प्लस वन हो गया, ये मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, जो डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया, चार दूनी आठ, ये खत्म हो गया, माइनस वन है प्लस वन हो गया नौ हो गया, यहाँ पांच डिवाइड है मल्टीप्लाई होगा, नौ पचे पैंतालीस, फिर ये माइनस वन है ये प्लस वन हो गया, यही था ना, कितना हो गया 46, अब ये डिवाइड है और तीन जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130, यही ना, 6 18 12 1 13 138, उसके पास आरंभ में इतने थे, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है ना। 81 कहा कि मान लीजिए कि एक कतार में x बच्चे हैं और है ना, कितने कतार हैं y मान लेते हैं, एक्स कतार में एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है, द नंबर ऑफ रो क्या है वाई है, ठीक। क्वेश्चन कहा प्रत्येक कतार में तीन विद्यार्थी है, थ्री और खड़े बढ़ा दिया जाए, तीन बढ़ा दें, तीन प्लस कर दें, यही था ना, थ्री इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होता है, रो एक कम हो जाएगा, बच्चे हम एक एक लाइन में तीन तीन बढ़ा दें तो एक कम हो जाएगा। फिर कहता है कि प्रत्येक में है ना तीन तीन विद्यार्थी कम कर दें तो नंबर ऑफ रो दो बढ़ जाता है, यही ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो में कम करेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, समझ रहे हैं सब लोग, बस यहीं से हो गया। मैंने क्या सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू माइनस वन और ये प्लस थ्री वाई, और यहाँ क्या तीन एकम तीन, यहाँ का प्लस तीन हो जाता है, ये है टू एक्स, ये है माइनस थ्री वाई, तीन दूनी छह जाके प्लस छह हो गया, ये कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया 9, अब कहीं पुट कर दो 9, यहाँ पुट करो माइनस 9 और 3 12, और 12 को 3 से भाग कितना हो गया 4, तो विद्यार्थियों की संख्या 9 चौके 36, कितने बच्चे थे 36 थे, 36, ठीक है ना। कहा कि गेंद को जो है एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, जितने ऊंचाई से गिराते हैं उसका 1/3 जंप करता है, एक तिहाई उछलता है, ठीक। कहा कि यदि गेंद को 30 मीटर के डिस्टेंस से हम उसको ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं 30 मीटर की ऊंचाई से, तो स्टेशनरी पोजीशन रुकने तक, रेस्ट में आने तक वो कितना डिस्टेंस ऐसे ऐसे करके तय कर लेगा, ठीक है ना। ओके, कहां से गिराए उसको, 30 मीटर के डिस्टेंस से, जब उसको हम 30 मीटर से गिराएंगे तो पहला बार में 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पहला बार में कितना डिस्टेंस 30 ट्रेवल करेगा, लेकिन सेकेंड टाइम जो है 30 का जैसे गया जंप करेगा 1/3, और ये 1/3 फिर जाएगा, फिर 1/3 फिर, क्योंकि यहां से जंप किया तो ऊपर आया और फिर नीचे भी तो उतना ही जाएगा 1/3, इसे डबल कर देंगे, ठीक है ना।
फिर अगले बार 30 का 1/3 का भी 1/3 आएगा, फिर वैसे ही डबल इसका जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही होता रहेगा। 30 का 1/3 जाएगा, 1/3 जाएगा, उसका और 1/3 जाएगा, और यह प्रक्रिया ऐसे ही चलता रहेगा, टू सॉन इन्फिनाइट, अनंत तक चलता रहेगा, ठीक है भाई साहब। तो सुनिए क्या क्या होता है, पहले आप 30 लिख दीजिए, और यहां से एक पार्टिकुलर सीक्वेंस बन गया, ये सीक्वेंस नहीं बना लेकिन और सब जो है पार्टिकुलर सीक्वेंस में है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहां से 30 कॉमन लेंगे, 1/3 कॉमन लेंगे और 2 कॉमन लेंगे, लेंगे ना, 30 कॉमन लेंगे, 1/3 कॉमन लेंगे और क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा एक और 1/3, यहां बचेगा दो बार 1/3, है ना, यहां 1/3 का क्यू एंड टू सॉन इन्फिनिटी, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। 30 प्लस, चाहे तो काट दें इसको, कितना हो गया, 10 × 2 = 20, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए फटाफट, अब ये बन गया जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्फिनाइट तक, है ना। इसका सम क्या होता है, a अपॉन 1 - r, मालूम, ये 30 + 20, एलसीएम लेंगे 3, 3 में से गया 2 और 3 चला जाएगा ऊपर, 3/2, ये काट दीजिए, ये भी 30 आएगा, ये भी 30, कितना हो गया, तो इसका मतलब 60 मीटर टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, तो आंसर हो गया इसका सी, ठीक है ना, 83। एक दुकानदार कुछ आम खरीदता है, क्या क्या उसने कि कुल संख्या का 40% आम उसने क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच देता है, जो कॉस्ट प्राइस है ना उसके बराबर प्राइस पे बेचता है, ठीक है ना, जितना प्राइस था उसके बराबर प्राइस पे बेचा, कहने का मतलब यदि वो 100 रुपये का वस्तु खरीद के लाया है, टोटल कॉस्ट उसका 100 रुपये लगा है, तो उसने 40 रुपये के कॉस्ट के वस्तु को उसने सेल किया सभी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो सभी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और उसमें से 40% बेचा है, कितने बेचा, सभी के कॉस्ट के बराबर, 40% वस्तु बेचा है, 40 का वस्तु बेचा, लेकिन कितना बेचा, सबके कॉस्ट के बराबर मूल्य पर बेचा, मतलब 100 में बेचा, तो सबका कॉस्ट 100 था, तो 40% बेचा लेकिन किस रेट में, 100 के रेट में, ठीक है ना, ओके, ये परचेस किया 40 का वस्तु और बेचा 100 में, ठीक है ना। अब कहा शेष बचे भाग का 80% बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक, तो भाई सिंपल सी बात है कि शेष बचा हुआ 60 का वस्तु था, 100 में से 40 तो बेच दिया ना, 60 का वस्तु बचा है उसमें से 80% वेस्टेज गया है ना, खराब चला गया, ठीक है ना, तो अब बचा कितना इसका, 20% बचा, तो कितने कॉस्ट का बचा, 12 रुपये का वस्तु बच गया, और उसे कितने बेचा, तो पहले के प्रॉफिट परसेंट के आधे भाग पर, ठीक है, देखिए भाई, सॉरी, देखिए तैयार हैं सब लोग, कैसे बचा भाई, तो पहले के कॉस्ट जो प्रॉफिट हुआ था उसके आधे भाग पर, ठीक है ना, तो पहले का प्रॉफिट हुआ कितना था, 40 का वस्तु 100 में बेचा तो 60 का लाभ कमाया, 60 का लाभ कमाया लेकिन कॉस्ट तो 40 ही लगा उसको, तो कितना लाभ कमा लिया से, 25 × 100 = 150, 150% लाभ कमाया, और अब जो बेचेगा उसके आधे लाभ परसेंट पे, तो 150% पहले लाभ हुआ था, तो अब इसको 75% लाभ पर बेचेगा, मतलब सेलिंग प्राइस होगा 175/100, ठीक है ना, 25 से काटो 25 = 175, 25 × 100 = 4×3 = 12, यही ना, कितना आ गया, 7 ये, अरे भाई कट तो गया ना, 25 × 25 = 4 और 4 × 3 = 12, 7 × 3 = 21, तो टोटल सेलिंग कितना हो गया, 100, 121 का टोटल सेलिंग हो गया, तो टोटल कॉस्ट था 100 और सब मिला के बेचा 121 में, तो ओवरऑल टोटल पे प्रॉफिट कितना हुआ उसे, तो 21% टोटल पे 21% का, ठीक है ना, क्योंकि टोटल उसने 100 और 121 सब मिला के 121 में बिका ना सामान,
लेकिन पूंजी तो 100 रुपए लगा था, सब मिला के देखा तो उसे 21% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, 21%। कोई दिक्कत नहीं, चल ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 नंबर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या कहा जाता है? तीन वस्तु का जो है कॉस्ट प्राइस दो वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, मतलब तीन वस्तु का जो कॉस्ट आएगा वो दो वस्तु के सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 2:3 है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? 2:3 है, 2:3 है। किसी को दिक्कत है? नो। फिर इसने कहा, देखिए ध्यान सुनिएगा, यह है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 2 रुपया है तो सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 3 रुपया है ना, कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो आ गया। ठीक, इसने कहा तीन वस्तु का जो प्रॉफिट होगा वो दो वस्तु के डिस्काउंट के बराबर है, तो प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो 2:3 है। ठीक है ना, यहां कितने का प्रॉफिट हो रहा है? एक का, लेकिन यहां कितने का दिया है? दो का। तो 2 बराबर 1 है तो 3 बराबर 1.5 होगा। जब ये इसका आधा है तो ये भी इसका आधा होगा। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो इसका मतलब ये है, ये मार्क प्राइस मान लो तो डिस्काउंट कितने का है? 1.5 का है। समझ में आ रहा सबको? जैसे कि यहां पर लाभ कितने का है? 1, लेकिन यहां तो 2 दिखा दे रहा था, मतलब 2 किसके बराबर है? 1 के बराबर, तो आधा हो गया ना, तो ये भी आधा हो जाएगा, 3 का आधा 1.5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, मतलब डिस्काउंट 1.5 का है, मतलब 3 में बेचा है। कब? जब 1.5 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो इसका तो मार्क प्राइस कितना था बोलो? 4.5। क्या था? 4.5, 1.5 डिस्काउंट दे दिया तो 3 ने बेच दिया। तो हमसे पूछा डिस्काउंट परसेंट, तो हम निकाल देंगे डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट है 1.5 का, 1.5 × 100, और किस पर डिस्काउंट देता है? मार्क प्राइस 15 × 45 = 33 सही, 1/3% का इसमें डिस्काउंट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत तकलीफ? नो। 85 85 नंबर। देखो 2400 हो गया सिंपल इंटरेस्ट, इनिशियल नहीं मालूम। ठीक है, कहा कि इसने प्रिंसिपल को 20% बढ़ा दिया। प्रिंसिपल को 20% बढ़ाएगा, प्रिंसिपल बढ़ाएगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, ओके। रेट को 6/5 कर दिया तो इंटरेस्ट भी 6/5 होगा। समय को 2/3 कर दिया तो इंटरेस्ट भी 2/3, क्योंकि सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, जितना ज्यादा प्रिंसिपल होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जितना ज्यादा रेट होगा उतने ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जितना ज्यादा समय जमा करेंगे पैसा उतने ज्यादा इंटरेस्ट, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो जैसे ही जो इफेक्ट इसको इंटरेस्ट पर पड़ेगा वही सेम इफेक्ट मतलब इसके प्रिंसिपल रेट सब सारे इफेक्टेड होंगे, है ना। यदि एक बढ़ा तो ये बढ़ेगा, ये घटा तो ये घटेगा। ठीक, ज्यादा पैसा जमा करोगे ज्यादा ब्याज मिलेगा। ठीक है ना, ये सब क्लास में सिखा चुके हैं, अब इसे काटा जाए। 12 × 2 = 24 कितना आ गया? 110। भाई साहब 12 × 2 = 24 = 40 हो गया ना, 10 आ गया। 3 × 2 = 25 कोई दिक्कत? 5 × 25 = 100 क्या हो गया? तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2500। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है ना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। कहा कि अच्छा आपको याद है क्वालिटी इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है? x²−α+β(x) α(β) ऐसे होता ना, मालूम है, ओके। तो जब कभी भी याद रखेंगे कि 1√3 + 2√3 है, मतलब इरेशनल रूट्स हैं,
ठीक है ना। तो दूसरा उसका जो रूट होगा उसका कंजुगेट होगा, क्या होगा? कंजुगेट होगा। तो सेकंड जो रूट होगा वो ऑटोमेटिक आपको कंजुगेट लिख रहा है, मतलब प्लस है तो इसमें किसी से पूछने की जरूरत, वो ऑटोमेटिक से छिपा हुआ है कि यदि ये है तो वो ही होगा भाई, ठीक है ना। तो इसमें ये कट गया, तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस तीन तीन छह एक्स प्लस ए प्लस बी, ये नहीं, 9 माइनस 12 दिखा दे रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 3 12, ठीक है, दिखाई सबको ना। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, 12 में से 9 गया, -3 = 0। कोई क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री सी है क्या? सी है, सी आंसर है, ठीक है ना। ओके देखिए 87 87 नंबर का, तीन व्यक्ति एबीसी चलना शुरू किया था क्रमशः 7 8 9 बजे 4 5 6 के स्पीड से, ठीक है। सबसे पहले देखो ये समय है 7 8 9 बजे और एट द स्पीड ऑफ 4 5 एंड 6 किलोमीटर पर आवर, 4 5 और 6 के स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले ए चला, ए 8 बजे यहां पहुंचेगा तो बी यहां से चलना शुरू करेगा, तो 1 घंटे में कितना आगे निकल गया? ए 4 किलोमीटर आगे निकल गया है ना, ए जो है 4 किलोमीटर आगे निकल चुका है, ठीक। अब यहां से बी चलना शुरू करेगा 8 बजे, 8 बजे ही, ठीक है ना, और यहां से ए चलना शुरू करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? 4। दोनों के बीच की दूरी क्या है? 4 है, ठीक। डायरेक्शन सेम है तो स्पीड को हम माइनस करेंगे, 4 5 को माइनस करो कितना आएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे, मतलब कितने घंटे हो जाएंगे? 4 आवर्स। कितने घंटे हो जाएंगे? 4 घंटा। मतलब वो लोग मिलेंगे कित ए और बी कब? 4 घंटे बाद मिलेंगे, ठीक। तो 4 8 बजे चले थे, 8 बजने के 4 घंटे बाद क्या बज जाता है? हाँ, दोपहर के 12 बजे एट नून, ठीक है ना, 12 बजे, ठीक है ना। फिर क्या होता है, दूरी कितना हो जाएगा? 4 घंटे बाद यहां से बी चला है 5 के स्पीड से, तो 5 के स्पीड चला है तो 4 घंटे बाद कितना चलेगा? 20 किलोमीटर, ठीक। तो 12 बजे तक सी भी मतलब कुछ ना कुछ चला ही होगा, 9 बजे चला है तो 9 और 3 12, आप समझ रहे हैं ना, 9 बजे चला है तो 12 बजे तक 3 घंटे हो जाएंगे ना, तो 3 घंटे में कितना चला होगा ये? मतलब वो भी नजदीक ही था, सी भी 18 किलोमीटर पे था, तो जब यहां से ए लौटना शुरू करेगा और सी यहां से चलना शुरू किया तो उस समय 18 और 20, यहाँ 20 है, यहां पर कितना है? 20 और यहाँ 18, इसके बीच की दूरी कितना है? 2 किलोमीटर। अब इस दूरी को ए और सी दोनों तय करेंगे, मुड़ गया ना वहां से, तो दोनों का स्पीड जोड़ेंगे कितना? 6 और 4 10, और ये है 60 मिनट से गुना कर दीजिए तो 12 मिनट में मिलेंगे, कितने मिनट में? तो 12 बज के 12 मिनट, तो दोनों मिलेंगे 12:12 PM, 12 बज के 12 मिनट में दोनों मिलेंगे, कोई दिक्कत तकलीफ है ना, ठीक है ना। बच्चा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 88 नंबर। एक ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना, इसके पहले साइड 10 और 20 है, वेरी गुड, और इक्वल साइड 13 13 13 ये भी 13 ये भी 13, ठीक है ना। क्षेत्रफल और लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई निकाले, ठीक। यहां देखिए ये 10 है तो ये भी क्या है? ओके, तो ये पूरा 20 था तो ये क्या बच गया? 10।
इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किए तो ये भी 13 होगा, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। तो आइसोसेलस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, तो ये 5 5 होगा, हाँ या ना? 13 5 ये क्या हो गया? 12 होगा। किसी को दिक्कत तकलीफ? समझ पा रहे हैं सब लोग? हम इसका निकालना पहले एरिया। एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 20 और 10 इंटू हाइट। हाइट कितना आ गया? तो कितना आ जाएगा जी? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, लेकिन आगे दिखाता हूं बना के, कहीं कुछ भी नदीज हो सकता है। तो यह है इसका डायगोनल। क्या है ये? डायगोनल। हमें दोनों जानते हैं कि दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। जब ये आइसोसेलस ट्रेपेज़ियम होगा, दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होता है, मालूम है ना? ओके, देखिए ध्यान से, ये पूरा 20 था और 20 में से 5 इधर है, तो इधर कितना बच गया? ये 15 है, ये 12 है, और ये निकालना है डायगोनल। तो डायगोनल की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे? 12 का स्क्वायर, ये ना 12 का स्क्वायर, और ये 15 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 और 15 200, जोड़िए इसको, कितना आ गया? 36 36 69 ना, क्या भाई? अब इसमें देखिए कितना से बाहर आ जाएगा, कितना? 3/41 आ गया, क्या? 3/41। तो ये हो गया एरिया और ये हो गया उसका डायगोनल, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। का एक राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक? ये आइसोसेलस है तो ये एक्स है, ये एक्स है तो क्या होगा? √2x, ठीक है ना? एक्स एक्स रूट टू एक्स, तो सबको जोड़ेंगे तो 2x प्लस √2x, ये होता है पेरीमीटर, और ये पेरीमीटर 2p दिया है, तो x बराबर क्या होगा? 2p अपॉन 2 प्लस रूट, यहां से x कॉमन लो तो 2 प्लस रूट 2 होगा ना, वो जाके डिवाइड हो गया, ठीक? अब इसे कंजुगेट से गुना कर दो और कुछ नहीं सोचो, 2p इंटू 2 माइनस रूट 2, और नीचे 4 में से 2 गया, 2 बच्चा, ठीक है ना? 4 में से 2 गया, 2 बच्चा, ठीक? अब हमको एरिया निकालना है, हाफ इंटू ये भी बेस, ये हाइट है ना, तो एक्स इंटू एक्स है ना, तो एक्स का वैल्यू क्या आया? पी इंटू 2 माइनस रूट 2, पी इंटू 2 माइनस रूट 2, ठीक है ना? हाफ इंटू पी कितना हो गया? पी स्क्वायर, और ये हो गया होल स्क्वायर, हो गया ना? सॉल्व करो, 4 प्लस 2 माइनस 4 रूट 2, यही ना? 1/2 पी स्क्वायर, और 4 और 2 कितना हो गया? 6 माइनस 4 रूट 2, 1/2 पी स्क्वायर, कॉमन क्या आ जाएगा? 2, 3 माइनस 2 रूट 2, ये आपका कट गया, क्या आंसर है? पी स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? पी स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, कौन सा आंसर आ रहा है? सी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ना, कहा कि एक स्क्वायर है, इसके अंदर बड़े से, सॉरी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर में बड़े से बड़े आकार का स्क्वायर बनाया जाता है, ठीक है ना? जिसकी भुजा क्या दिया इसका? समकोण त्रिभुज का 15 और 20, ठीक है? तो आपको हमने इस फार्मूला सिखाया था, स्क्वायर का साइड याद है सबको? पीबी अपॉन P प्लस, याद है सबको? पी बी अपॉन पी प्लस बी, याद है? तो ऐसे 15 × 20, और नीचे कितना हो जाएगा? 30, 5 × 3 = 15, और ये 7, कितना हो गया? 120 / 7, ऐसे ही ना?
हमको एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे 20, 30, 60 है ना, 60/7 है ना, तो एरिया क्या होगा 60/7 का स्क्वायर कितना हो गया 3600/49। कौन सा ऑप्शन है 3600/49 सी आंसर है, ठीक है ना। 91 91 नंबर देखिए, कहा एक वृत्त की त्रिज्या 24 है, इसके अंदर में संकेंद्रीय वृत्त बनाए गए कितने दो और, ये सर्कल है इसके अंदर में दो और सर्कल बनाए गए ठीक है ना, ये है आर, इसका ये हो गया आर टू और ये मान लीजिए आर थ्री है ठीक है ना। तो कहा इनका रेडियस का रेशियो निकालिए ठीक है ना, और कैसे बनाया गया भाई इसमें, कि ऐसा बनाया गया कि थ्री इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है ठीक। तो सिंपल सी बात है, यदि एरिया का रेशियो देखेंगे तीन बराबर भाग में बढ़ गया, इसका एरिया वन है, सेकेंड सर्कल दोनों पार्ट मिलके बना और बड़ा सर्कल तीनों पार्ट मिलके बना, तो एरिया तीन गुना होगा। तो रेडियाई का रेशियो, रेडियस का रेशियो निकालेंगे तो रूट लगा दे, क्या लगा देंगे रूट वन रूट टू रूट थ्री, यही ना, वन का रूट तो वन ही आ जाएगा ठीक है, वन इज टू रूट टू इज टू रूट थ्री। कोई है क्या, कौन आ रहा है, बी है सही उत्तर ठीक है ना। चलिए 92 इसे मिटा दे, देखिए 92 नंबर 92 नंबर क्वेश्चन ठीक है। एक तो मैंने आपको सिखा था एज्यूम करके, अगर उसको जीरो मान ले, साइन जीरो कॉस जीरो, ये जीरो नीचे वन वन हो गया, जीरो बाय कुछ भी करेंगे जीरो ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा सब लोग ठीक है। एज्यूम करके सबको आता ही मारने के लिए, ना कुछ आए तो एज्यूम तो करने आता ही है। अब देखिए मैं इसको तोड़ता हूँ, इसे तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, ऐसा है ना, ये हो गया साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला, और नीचे में क्या है कॉस बी कॉस सी। अब इससे हम दोनों में भाग देंगे ठीक है ना, कॉस बी और कॉस सी दोनों में भाग देंगे, कॉस बी कॉस सी से हम दोनों में भाग देंगे ठीक। साइन सी इंटू कॉस ए ठीक है ना, माइनस कॉस सी इंटू साइन ए ऐसे ही ना, इसमें भी क्या करेंगे हम कॉस सी इंटू कॉस ए, कॉस सी इंटू कॉस ए से भाग देंगे ठीक। ओके ऊपर क्या है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और नीचे क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से ये कट गया, इसमें से ये कट गया है ना, इसमें से ये कट गया, देखो सही काट रहे वही है ना, कुछ जल्दी में जल्द कुछ और ना कर दे। कॉस बाय साइन बाय कॉस क्या हो गया बोलो, टैन बी और ये टैन सी, ये टैन सी और ये टैन ए, ये
टेन ए और ये टेन बी। अब देखो कौन कौन जा रहा है, टेन बी माइनस में प्लस में, टेन सी टेन ए क्या हो गया, जीरो आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे करके जीरो आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या था, डी था। बिठा दे क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है ना, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, ठीक है, नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है ना, टी क्यू आर, क्यू आर लिया है, नहीं इसका नाम उल्टा देता हूं तो यहां पर बन जाएगा ट्रायंगल, ठीक है ना, हमें दिया क्यू आर, क्या दिया है, क्यू आर, तो इसके अकॉर्डिंग ले लूं पी क्यू आर एस, ठीक है ना, ऐसे आपको साफ दिखेगा ट्रायंगल, ठीक है ना, टी क्यू आर, टी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक, तो एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिए, ये ट्रायंगल ऊपर नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, है ना, स्क्वायर का सभी साइड क्या है, बराबर होते हैं, और इक्विलेटरल का ये भी साइड ए होगा तो ऊपर तक जाएगा तो 90 के सामने में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज कभी साइड के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए छोटा ही होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर जाने का मतलब ये बड़ा हो जाना होता है, ठीक है ना, इसलिए नीचे मैंने क्लास में बताया था आपको, ठीक है ना, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब निकालना पीटीएस, पी टी एस, ये हम पॉइंट को हमने टी माना है, ठीक है ना, पीटीएस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, पीटीएस देखते हैं, देखिए स्क्वायर में ये एंगल कितना होता है, 90 90 होता है ना, इक्विलेटरल एंगल में क्या होगा, 60 60, इक्विलेटरल में क्या होगा, 60 60, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, 90 में से 60 चला गया, समझ गया, 30, 90 में 60 गया, क्या बचा, 30, अभी दोनों भुजाएं बराबर हैं, 30 निकल गया तो बच गया 150, कितना बच गया, 150, दोनों भुजाएं बराबर है तो 150 को दो भाग में बांटो, ये भी 75, ये भी 75, हाँ ये ना, ठीक है, ये 30 बच गया 150, दोनों भुजाएं बराबर है तो ये भी 75 और ये भी 75, कोई दिक्कत नहीं, ओके, अब देखो या तो यहीं से बना लो, 75 75 150, 150 और 60 210, तो ये क्या बचेगा, 100, क्या बचेगा, यही ना, 75 75 150 और 60 210, तो 150, तो ये एंगल यही आंसर है, 150, 150 डिग्री, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ, नो, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 94, 94 नंबर, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, एम जो है सीडी के मध्य बिंदु है, ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी ऐसे बना दिया, ठीक, और एम इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एम जो है सी डी का मिड पॉइंट है, ओके, फिर कहा कि ए डी को ई पॉइंट तक प्रोड्यूस किया जाता है, कर दिया, और ये जो है किसको, ये कहां से पास करता है, ये एम से होकर गुजरता है और ए सी को एल पे काटता है, ठीक, चलो देखते हैं, मान लो सीधा स्ट्रेट है, मान लेना, पहले इसमें दिखाते हैं कि ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने का साइड क्या होंगे, बराबर, है ना, ये दोनों आमने सामने के बराबर होते हैं, ठीक है ना, अच्छा ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होगा, ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट, ये एंगल बराबर होंगे, है ना, अल्टरनेट एंगल, दो एंगल और एक साइड बराबर है,
एंगल साइड एंगल कॉन्कुरेंट हो गया सर्वांग सम, तो ये ट्रेंगल कॉन्कुरेंट हो गया, तो इसके सामने का साइड ए है, तो इसके सामने का भी साइड क्या होगा ए, ये पूरा ए निकल गया। ठीक, अब हमें आगे का कहानी ये है, यहां तक तो रिलेशन आ गया ना। अब कहा कि इस एसी को कहां पर काटा, एल पॉइंट पे काटा, ठीक है ना। अब हमको मेन जो रिलेशन है ईएल और बीएल में निकालना, ठीक है ना। तो एक बड़ा सा ट्रायंगल लेंगे ये और एक छोटा ये, देखो क्या क्या इसमें है, ये वर्टिकल अपोजिट, ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है ना, अल्टरनेट एंगल। ठीक, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए, क्या हो गए सिमिलर। तो हमें ईएल और बीएल का रेशियो निकालना है। देखो सेकेंड के सामने में ईएल है और सेकेंड के सामने क्या है बीएल है, फिर देखो फर्स्ट के सामने 2a है, क्या है, और इसमें फर्स्ट सम क्या है a है, तो EL is to BL का रेशियो क्या है 2:1, तो ऐसे करके रेशियो 2:1 का हो गया। ठीक, देखिए 95 नंबर 95 कहा पी और पीबी दो टेंजेंट हैं एक सर्कल की, जो सर्कल को ए और बी पे टच करते हैं, ठीक है ना। सी डी जो है एक और टेंजेंट है जो सर्कल को ई पे टच करता है, सी और डी ए बी ए पी और बी पी पर कहीं स्थित है, बहुत अच्छा। देखिए ध्यान से इधर, ये सर्कल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, टेंजेंट है, मान लो ऐसे कोई टेंजेंट है और एक दूसरे के पैरेलल, ही कहा ना पी और पी भी दो टेंजेंट है, ओहो सॉरी एक ही बिंदु से है ना, पी एट पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, इसे काट दीजिएगा। यहां से देखिएगा जो सर्कल बनाया था बस उसको उतना ही आप बनाइए वीडियो में, ठीक है ना। चले PA एंड PB आर द टू टेंजेंट्स, ठीक है ना, PA एंड PB, PA एंड PB आर द टू टेंजेंट सर्कल, ठीक है ना। PA और PB क्या है, दो टेंजेंट है PA और PB, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे को कहां पर देखो, यहां पर टेंजेंट कहां टच किया, इसके ए पर, इसको क्या बी पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ। सी डी एक और टेंजेंट है, ऐसे मान लो सी डी सी और डी, ठीक है ना, एक और टेंजेंट है जो सर्कल को कहां पे टच किया, ई पॉइंट पे टच करता है, ठीक है ना, ई बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक है ना, वेरी गुड। सी जो है एपी पर है, डी जो है इधर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ए पी बी, ए पी बी ये कितना डिग्री है, ए पी बी 40 डिग्री है, निकाल वो केंद्र है, तो सी और डी निकालो, सी और डी का मान क्या होगा, एंगल सी ओ डी निकालें, ठीक है ना, ये एंगल हमें निकालना सी ओ डी, ठीक है ना। तो आइए कैसे निकालेंगे एंगल सी ओ डी, थोड़ा सा इसको देखिए फटाफट, देखिए जरा, ये टेंजेंट था, तो ये देखो कौन साइक्लिक बन गया, क्या बन गया, ये कौन साइक्लिक क्वाड्रेंट, एक वृत्तीय चतुर्भुज है ना, तो ये 40 है, तो पूरा यहां से यहां तक कितना होगा 140, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, 180 मालूम सबको, ओके भाई साहब। अब यहां देखिए फटाफट, ध्यान सुनिएगा, ऐसे मिला देता हूं, देखो यहां से एक टेंजेंट, यहां से एक टेंजेंट, तो ये जो लाइन मिलाएंगे तो ये एंगल बाय सेक्टर होगा, यदि ये एक है तो ये भी, वेरी गुड, एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ किया, एक यहां से, तो ये भी एंगल बाय सेक्टर, ये वाई होगा तो ये भी, तो देखो 2x प्लस 2y बराबर 100, तो x प्लस y कितना हो गया 70 डिग्री, तो यही तो निकालना COD, x प्लस y, तो COD बराबर 70 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये x प्लस y इतना ही दूर का निकालना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ।
70 डिग्री है ना, ठीक है, छाप लिए। मिटा दें इसको, चलिए 96 नंबर, 96 नंबर क्वेश्चन। कहा कि त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी दो बराबर भुजाएं हैं। चलो त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, एबी और एसी इक्वल साइड्स हैं। ध्यान रखिएगा एबी और एसी क्या है, इक्वल साइड्स हैं, ठीक है ना। एक वृत्त बिंदु P से होकर गुजरता है त्रिभुज के भुजा AC के मध्य बिंदु को स्पर्श करते हुए AB को P पे काट दिया, ठीक है ना। मतलब ऐसे यहां से गुजरा और ऐसे, ठीक है ना। एक सर्कल जो है ना, यहाँ पर मिड पॉइंट पे टच किया, ठीक है ना, मतलब मध्य बिंदु है, और AB को कहां पे काटा, P पे काटा, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट है, तो आप कुछ मान सकते हैं चाहे तो अच्छा रहेगा कि सबका लेट ईच साइड 2 सेंटीमीटर या एक्स वाई कुछ भी मान सकते, ठीक है, दो मान लिया, ठीक है ना। तो ये मिड पॉइंट तो एक हो जाएगा और ये पूरा दो हो जाएगा। तो मैंने आपको एक सिखाया था थ्योरम को, याद होगा कि यदि कोई ऐसे टेंजेंट हो और एक सेकेंड हो तो इसका स्क्वायर बराबर इत पूरा अधूरा, याद आ रहा है सबको। तो ये वैसे ही है, तो कोई टेंजेंट है और ये हो गया अधूरा और ये हो गया पूरा, याद है सबको। तो बस हो गया, यहां से ये है 1 का स्क्वायर बराबर पूरा 2 है और अधूरा क्या है, एपी। तो एपी बराबर कितना आ गया, 1/2। तो ये 1/2 है, तो 2 में से आधा गया तो ये हो गया 3/2, डेढ़ हो जाएगा ये, है ना। अब निकालना क्या है, एपी इज टू पीबी, एपी इज टू पीबी, एपी क्या है आधा और पीबी क्या है 3/2, तो रेशियो क्या हो गया 1:3, ये हो गया रेशियो 1:3 एपी और पीबी का, ठीक है ना, 1:3। कोई दिक्कत तकलीफ, नो, वेरी गुड। मिटा दिया जाए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 97 नंबर। ए से बी की ओर जा रहा उसका चाल मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, ए से बी के तरफ जाने वाले का स्पीड निकालो। तो सिंपल सी बात है, दूरी 120 है ना, देखो तो, और ए से जो बी की ओर गया है वो चलना शुरू किया 6 बजे और पहुंचा है 10 बजे, तो कितने घंटे हो गए, तो चाल क्या है उसका, 30 किलोमीटर पर आवर। चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड, तो क्या करना पड़ेगा भैया, चेंज कीजिए, कितना, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड चेंज करना, 5/6 ऐसे ना, 6/5, ठीक है, 6/25/3, 1/3 मीटर पर सेकेंड, यही ना, ओके। 98 नंबर, बी से ए की ओर, बी से ए की ओर जा रहा उसका स्पीड निकाले, बी से ए की ओर दूरी 120 है, कितना दूरी है, और समय देखो, बी से ए की ओर जाने वाला शुरू किया 7 बजे और पहुंच गया 9 बजे, 7 और 9 कितना, 2 का ना, तो इसका चाल कितना है, अब पूछा क्या इसका, मीटर पर मिनट में, मीटर तो 1000 से गुना कर दो बन गया मीटर, और आर तो 60 से गुना कर दो बन गया मिनट, है ना, तो कितना हो गया, 1000 मीटर पर मिनट, ठीक है ना। 99, कहा कि बी से ए की ओर जाने वाला कार अपने गंतव्य स्थान से 30 किलोमीटर दूरी पर दूर स्थित है, तो कितना बज रहा होगा, ठीक है ना, सिंपल सा बात है, 30 किलोमीटर दूर होगा तो चलना शुरू कब किया, 7 बजे, और 120 में 30 पहले तो 90 किलोमीटर,
तो 90 किलोमीटर और 20 से ए वाले का चाल है 60, तो 1.5 घंटे। तो कहां से 7 बजे चलना शुरू किया था, 1.5 घंटे बाद कितना बजेगा, 8:30। उस समय 8:30 बज रहा था, सुबह की बात है ना, 8:30, समझ रहे हैं ना। ओके, कहा कि 9:30 बजे ए से बी की ओर जाने वाला कार जहां मिला था उसे 1 किलोमीटर चल दिया हो, जहां मिला वहां से 1 किलोमीटर चला, तो कितना दूरी तय किया होगा, यही ना। ठीक, ये बताओ कि चलना शुरू कब किया था, ये मिला कितना बजे, बताओ मिलने के टाइम कितना बजे है, 8 बजे। कितना है, 8 बजे, ठीक है ना। 8 बजे मिला था ये, 8 बजे मिला और 9:30 तक चलता रहा, 8 बजे मिला और 9:30 तक, तो कितने घंटे हो गए, 1.5 घंटे। तो ए से बी वाला का स्पीड कितना है, 30। 30 के स्पीड से 1.5 घंटे चलेगा, मतलब 3/2 चलेगा, 1.5 घंटे मतलब 3/2 चलेगा, तो कितना चलेगा, 45 किलोमीटर। इसका मतलब 45 किलोमीटर की दूरी तय किया है, कितना तय किया, 45 का दूरी, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हो गया 45 किलोमीटर, ठीक है ना। ठीक है, इसे बनाइएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, चलिए ठीक है।